أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all. Today is our Aqeedah class 12. Jazakallah for time. Inshallah, हमने गुज़िश्ता नशस्त में point number 37 तक discuss किया था. आज हम हमारी गुफ्तगू को उसके आगे बढ़ाते हुए point number 38 से अपनी class का आगाज करेंगे. तो पॉइंट नंबर 38 है, द सीइंग ऑफ अल्लाह बाय द पीपल ऑफ पैराडाइज इज ट्रू हक विदाउट देयर विजन बीइंग ऑल एनकम्पासिंग एंड विदाउट द मैनर ऑफ देयर विजन बीइंग नोन. यानी कि अहले जन्नत की तरफ से अल्लाह का दीदार दुरुस्त है, यानी कि हकीकत है. इनके बसारत का अहाता कैसे कैसे होगा इसे जाने बगैर, और इनकी बसारत के तरीका मालूम होने के बगैर. कि हमें ये नहीं पता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को बंदे किस तरीके से देखेंगे, लेकिन हम ये हमेशा कह सकते हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि जो जन्नत अहले जन्नत होंगे उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना दीदार कराएंगे, तो वो जो दीदार कराने की बात अल्लाह सुभान व तआला ने फरमाई है, हमारा उस पर ईमान है कि वो बरहक है. लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो जो हमको बसारत अल्लाह ने जो दी होगी, जिसकी वजह से हम अल्लाह सुभान व तआला की जात को देख सकेंगे, तो वो कैसी होगी, किस तरीके से हम देख सकेंगे, इसके बारे में हमें गौर व फिक्र करने से मना किया गया है. लेकिन इस बात का हमें दिल से यकीन होना चाहिए, हमें हमारे अकीदे का ये एक अहम हिस्सा है कि अहले जन्नत को अल्लाह सुभान व तआला अपना दीदार कराएंगे. जन्नती लोग अल्लाह ताला को देखेंगे, ये बगैर किसी कैफियत के होगा. ये नज़ारा ऐसा नहीं है जिस तरह हम इस दुनिया में देख रहे हैं. तो हमारी महदूद सोच, अगर आप इस बारे में सोचने लगें तो आप जो इमेजिन करने लगेंगे वो महदूद होगा. वो आप इतना ही इमेजिन कर सकेंगे कि जो दुनिया के हिसाब से आप किसी चीज़ को परसीव करते हैं ना, किसी चीज़ का आपके जहन में आप सोचने लगे तो उसका गुमान जो आपके जहन में आता है वो दुनियावी एतबार से ही होता है. लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला किस तरीके से अपने बंदों को, जन्नती बंदों को दीदार कराएंगे, इसको हमारी छोटी सोच नहीं, हमारा महदूद सोच जो है वो नहीं गुमान कर सकती, ना हम उसका तसव्वुर कर सकते हैं. तो ये नज़ारा ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम दुनिया में अभी देख रहे हैं. अल्लाह ताला के दीदार को अरबी में रुया कहते हैं. अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह क़यामा में इरशाद फरमाते हैं कि वुजूह यौमइज़िन नासिरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि इस दिन बाज चेहरे रोशन होंगे अपने रब की तरफ देखते हुए. यानी कि ये अहले जन्नत के से मुराद है कि ये वो लोग होंगे जिनके चेहरे रोशन होंगे और अल्लाह सुबहान व तआला उन्हें ये शर्फ अता करेगा कि वो अल्लाह सुबहान व तआला की पाक जात को देख सकेंगे अल्लाह के हुक्म से. तो वो किस तरीके से देखेंगे, कितनी देर के लिए देखेंगे, इन सब चीज़ों में हमें गौर व फिक्र करने से मना किया गया है. अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 में भी फरमाते हैं कि लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन्होंने नेकी की है इनके लिए बेहतरीन और बेहतरीन अजर है और इंसाफ है. और इसी तरीके से इसकी बाद वाली आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि वज़ियारतुन, यानी कि अल्लाह ताला का दीदार होगा. तो एक हदीस में है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह सुब्हान व तआला उनको ये शर्फ अता करेंगे कि जन्नती बंदे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का दीदार करेंगे. तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी बहुत सी हदीसें हमें मिलती हैं जो इस बात की दलील देती हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला का दीदार हक है जन्नती बंदों के लिए. तो शर्त यह है उसके लिए कि वो बंदा जन्नती हो, और जन्नत में अल्लाह सुबहान व तआला जो जन्नतुल फिरदौस होगी और जो जन्नती बंदे होंगे
उन सभी को अल्लाह अपने हुक्म से जब फरमाते हैं कि बंदे को अल्लाह सुबहाना तआला जन्नत में पूछेंगे क्या तुम्हें सब मतलब नियमतें मिल गई, तो वो कहेंगे क्योंकि जन्नत की नियमतें ऐसी होंगी दुनिया से जब वो उसको कंपेयर करते होंगे तो उनको बेशक वो नियमतें बहुत बड़ी लगती होगी ना और उनको बहुत अच्छी लगती होंगी, तो वो सब कहेंगे कि या अल्लाह हमें तो बड़ी नियमतों से आपने आरास्ता किया। लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं उन मरनों से जो जन्नती है कि अभी एक चीज बाकी है, तुमने एक चीज का मजा नहीं चखा, यानी कि तुमने एक ऐसी चीज नहीं देखी जन्नत में जिसका तुमसे वादा किया गया था, तो फिर अल्लाह सुबहाना तआला अपने जो पर्दे हैं उनको हटा देंगे ताकि अल्लाह सुबहाना तआला का दीदार जन्नती बंदे कर सके। और जब बंदे आप देखें कि हम जब दुनिया में अल्लाह ने बनाई हुई चीजें हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि नेचर जो नेचर होता है आप उसमें अगर गौर और फिक्र करें तो आप अल्लाह की जात को इतना वसी पाएंगे कि अल्लाह ने ऐसे ऐसे झाड़, ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे समुंदर, इतनी बेहतरीन खूबसूरती वाली इस दुनिया को बनाया है। तो आप सोचिए कि जब दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई अल्लाह ने तो जन्नत कितनी हसीन होगी, और जब जन्नत इतनी हसीन होगी तो जन्नत का बनाने वाला कितना हसीन होगा ना, तो मंजर होगा जब लोग अल्लाह सुबहाना ताला का दीदार करेंगे, बंदे सब अल्लाह के सजदे में मतलब गिर जाएंगे, और वो कितने अरसे तक उस सजदे में रहेंगे इसकी भी कोई तफसील नहीं होती, लेकिन बताया ये जाता है कि बस मग्न हो जाएंगे, ऐसा लुत्फ उन्हें हासिल होगा अल्लाह सुबहाना ताला के दीदार से कि वो बस अल्लाह सुबहाना ताला के सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह की। आप सोचें कि जितने अल्लाह ने खूबसूरत इस दुनिया को बनाया है तो उस दुनिया को बनाने वाला कितना हसीन होगा ना, तो हमारी महदूद सोच इस दुनिया में रहते हुए हम अल्लाह सुबहान व तआला के जो मुतशाबहात जिसको कहा जाता है कि अल्लाह सुबहान व तआला किस तरीके से देखते होंगे, अल्लाह तआला कैसे देखते होंगे, इन सभी चीजों पर हमें सोचने गौर और फिक्र करने से मना किया गया है क्योंकि हमारी महदूद सोच, जैसे हमने पिछले पॉइंट्स में भी डिस्कस किया है कि हमारी ये महदूद सोच अल्लाह सुबहान व तआला की आली जात को नहीं परसीव कर सकती, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अल्लाह सुबहान व तआला की जात कैसी दिखती होगी। और हम जब ईमान वाले हैं, हमारी ईमान की बुनियाद क्या है, गैब गैब पे ईमान है ना, कि बिना अल्लाह सुबहान व तआला की जात को देखे हुए, बिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखे हुए हम उनकी हर बात को सच्चा मानते हैं और अल्लाह सुबहानहु ताला ने जो कलाम भेजा है उसको हक मानते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन मुतशाबिहात में ना पड़े, यानी कि अल्लाह की जो मुतशाबिहात है कि अल्लाह कैसा दिखता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या कर रहा होगा, इन सभी चीजों पर हमें गौर फिक्र करने से अल्लाह सुबहानहु ताला ने मना किया गया है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमारी महदूद सोच सिर्फ दुनियावी एतबार से सोच सकती है, हम अगर किसी चीज का तसव्वुर करते हैं तो वो दुनियावी एतबार ही से करते हैं, तो हमारी जो इमेजिनेशन है ये सिर्फ महदूद है दुनिया ही की हद तक, हम आखिरत की चीजों को और अल्लाह सुबहान व तआला की पाक जात को हमारे तसव्वुर में हम नहीं ला सकते, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला की जात हर चीज से सुबहान है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है इसकी बुनियाद ये है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने कि ये जो फरमाया है ये बरहक है कि जन्नती बंदे अल्लाह सुबहान व तआला का दीदार करेंगे और वो किसी कैफियत के बगैर दीदार करेंगे, अल्लाह के हुक्म से दीदार करेंगे, और वो किस तरीके से दीदार करेंगे इसकी वजाहत नहीं मिलती, लेकिन हमारा यकीदा होना चाहिए कि अल्लाह सुबहान व तआला को देखने की जो बात अल्लाह ने फरमाई है कुरान मजीद में, जैसा कि अभी हमने आयतों की का तर्जुमा पढ़ा सूरे खयामा और सूरे यूनुस की आयतों का, कि अल्लाह सुबहान व तआला बंदों के चेहरों को रोशन करेगा और उनको अल्लाह का दीदार नसीब करेगा, जियारत करवाएगा अल्लाह सुबहान व तआला की, तो ये बरहक है कि जन्नती बंदे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से जब अल्लाह चाहेगा अल्लाह सुबहान व तआला सारे पर्दे हटा देगा और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदे अल्लाह की पाक जात को दीदार कर पाएंगे। ये हम सब अहले सुन्नत वल जमात वालों का अकीदा होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 38 था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 39। पॉइंट नंबर 39 है, द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम इज मेड फर्म एक्सेप्ट विद द सपोर्ट ऑफ अनरिजर्व एसेंट एंड सबमिशन टू अल्लाह। यानी कि इस्लाम की बुनियाद गैर महफूज रजामंदी और अल्लाह के सामने सर तस्लीम फर्म करने के बगैर मजबूत नहीं होती। यानी कि अल्लाह सुबहान तआला की बारगाह में सर झुकाए बगैर और पूरी तरीके से अल्लाह सुबहान तआला की तरफ अपने आप को सबमिट किए बिना आप दीन इस्लाम पे कायम नहीं हो सकती। यानी कि बताया ये जा रहा है कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान हो और आपका ईमान मजबूत है, तो आपको फिर चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के हर मरहले, हर काम में, हर चीज में अल्लाह सुबहान व तआला की मर्जी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ प्यारा तरीका जो उस पर है उसको अपने सामने रखें। जिंदगी के हर मरहले में इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस्लाम में सिर्फ इसी सूरत में साबित कदम रह सकते हैं जब वो अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम कम करें। यानी कि हम हमेशा अल्लाह के सामने झुकने वाले बने ना, अल्लाह के सामने पूरी तरीके से झुक जाएं। पूरी तरीके से झुक जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारी 24 घंटे वाली जो जिंदगी है उसको हम इस तरीके से बनाएं कि अल्लाह को राजी करने वाले अमल हम करें और उन चीजों से बच जाएं जिससे अल्लाह सुबहान व तआला नाराज होते हैं। तभी हम अपनी जिंदगी और अपना अपना अपने आप को अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक कर सकते हैं। तभी हम अल्लाह के चहेते बंदों में शामिल हो सकते हैं और अल्लाह सुबहान व तआला की जात बरहक के मुतवज्जे को अपनी तरफ तवज्जो दिला सकते हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला हमारी तरफ भी मुतवज्जे हो। ये तभी मुमकिन है जब हम अल्लाह सुबहान व तआला की इबादत करें, अल्लाह सुबहान व तआला की नाराजगी से बचे ना, हर उस अमल को करने से बचे जिससे अल्लाह ने हमें रोका है। और वो हकायक मंतक और सबूत की तलाश में नहीं पड़ता। तो जो बंदा दीनी इस्लाम की इस बुनियादी चीज, जिसका ये है कि हमारा गैब पे ईमान है ना, तो हम जानते हैं कि हमने अल्लाह सुबहान तआला की जात को नहीं देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, सहाबा इकराम से हम नहीं मिले, हमने कोई चीज भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम हर उस बात को हक मानते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, जो हमें किताबों के जरिए, यानी कि हदीस की किताबों के जरिए मिलती है, जो हमें कुरान मजीद के जरिए मिलता है और तफसीर और तर्जुमे में, तो हम ये जानते हैं कि ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से है। और फिर उसमें नुक्स निकालना या उसमें सवाल करना या उसकी उसमें सबूत तलाश करना, या जैसे मैंने मुतशाबिहात के बारे में आपको बताया, इन सब चीज़ों पे गौर व फिक्र करना, ये वो नहीं करता जो बंदा अल्लाह की जात की तरफ मुतवज्जे होता है और अल्लाह के दीन पर वो मुत्तखिब और परहेजगार होता है। तो फिर वो अपने आप को इन सवालात से दूर रखता है और वो फिर अपने आप को ऐसी तलाश में नहीं लगने देता जो आपको ऐसे सवालों की तरफ ले जाए जो बेबुनियाद है, जो लाहासिल है। इस्लाम ये चाहता है कि हम मुकम्मल तौर पर दीन के ताबे हो जाएं। तो इस्लाम हमें हमेशा ये बताता है कि अल्लाह सुबहान व तआला की पनाह में आ जाओ ना, यानी कि अल्लाह सुबहान व तआला की जो बताया है अल्लाह सुबहान व तआला ने कि तुम फला किस तरीके से पा सकते हो मेरी बंदगी करके। अल्लाह सुबहान व तआला ने कुरान में जगह जगह पर फरमाया है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने जिन्होंने इंस को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। तो जब हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले बनाएं। और ये मुमकिन तभी हो सकता है जब अपनी जिंदगियों को हम उस तरीके से गुजारें जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई प्यारी सुन्नतों से हम अपनी जिंदगी को जब आरास्ता करेंगे, तभी हम अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले बनेंगे। आप देखें कि हम सीरत का भी मुताला कर रहे हैं और हमें जगह जगह पर पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात जो
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो अल्लाह के हुक्म से बताई, हर चीज जो आपने फरमाई वो अल्लाह के हुक्म से फरमाई। तो आपका गोया हर फरमान, आपकी बताई हुई हर बात गोया वो अल्लाह ही का इरशाद है जो हमारे लिए रहनुमाई का सबब है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को अपनी जिंदगियों में लाए, अपनी जिंदगियों को सुन्नत के मुताबिक बनाने वाली बने। तो तभी हम दीन के ताबे हो सकते हैं। जिस तरीके से बताया जाता है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल होने से मुराद क्या है? पूरे पूरे दाखिल हम तभी हो सकते हैं जब हमारी जिंदगी जो है वो अल्लाह सुभान व तआला की बताई हुई रास्ते पर हम चलने वाले बने। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाएंगे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 39 था जो मुकम्मल हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 40 की तरफ। पॉइंट नंबर 40 है कि ही हु सीक्स नॉलेज दैट हैज बीन पार्ट फ्रॉम हिम एंड हुज इंटेलेक्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू सरेंडर, दिस पर्सन विल बी रिवील्ड फ्रॉम अ प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्लाहज यूनिटी, क्लियर नॉलेज एंड करेक्ट फेथ। यानी कि जिस शख्स इस इल्म को तलाश करे जो इससे रोक दिया गया हो और जिसकी अकल इसकी सपुर्द करने के लिए तैयार न हो, वो अल्लाह ताला की वहदानियत वाजे इल्म और सही अकीदे से पर्दे में रह गया। यानी कि अल्लाह सुबहान ताला ने जब हमें मना फरमाया है कि इन चीजों में ना पढ़ो, इन चीजों को तुम्हारी मजबूत सोच नहीं समझ सकती, तो फिर अगर बंदा उसी दिशा में जाए, उसी तरीके उसी चीज में पड़ जाए कि मुझे ये जानना है, मुझे ये मालूम करना है, मुझे ये चाहिए, मैं मालूम करना चाहता हूँ, तो फिर गोया वो ऐसा हो गया कि हमारी महदूद सोच जो है वो अल्लाह की इन मुतशाबिहात को और जिन चीजों से अल्लाह ने हमें मना किया उनके तरफ गौर व फिक्र करने से अगर उसमें हम पड़ जाएंगे, तो फिर वो यह होगा ये कि वो अल्लाह की वहदानियत और जो अल्लाह का वाज़े इल्म है कि हम समझते हैं और ये हम इकरार करते हैं और दिल से मानते हैं कि अल्लाह ही अल्लामुल गयूब है, आलमुल गैब है, यानी कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह सुबहाना व ताला ही की जात को है और हर चीज का इल्म भी अल्लाह सुबहाना व ताला ही की जात को है। तो फिर होगा ये कि अगर आप इन सब चीजों में पढ़ जाएंगे, ऐसी चीजों को जानने की आपके अंदर जस्तजू पैदा हो गई जिससे अल्लाह ने मना किया है, तो फिर होगा ये कि शैतान आपके दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसे ऐसे सवालात डालेगा जिससे आप गुमराही में पड़ जाएंगे और हो सकता है कि आप ऐसे कलमात अपनी जुबान से निकाल दो गोया वो शिर्क की कलमात हो जाए या कोई ऐसा कलमात आपकी जुबान से निकल जाए या आपके जहन में आ जाए जो गोया आपके लिए पकड़ का सबब बन जाए। तो इसीलिए हमें फरमाया कि अगर कोई बंदा इन सब चीजों में चले जाता है तो फिर वो सही अकीदे से अपने आप को दूर कर रहा है या सही अकीदे पे उसने पर्दा डाल दिया। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीजों के जानने से दूर रहें जिनसे अल्लाह ने मना किया है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोहे महफूज के बारे में जानते हैं, हम कलम के बारे में जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो दिखता कैसा है, अल्लाह ने उसे कहाँ रखा है, किस तरीके से रखा है और किस तरीके से होगा। इन सभी चीजों के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है क्योंकि हमें इस चीज के बारे में बताया नहीं गया और अल्लाह फरमाता है कि इस चीज को तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो जब बंदा ऐसी चीजों को जानने के लिए आगे बढ़े जिसके बारे में अल्लाह ने मना किया है, तो फिर गोया होगा ये कि वो अल्लाह के बताए हुए दीन से दूर कर रहा होगा और अल्लाह के बताए हुए रास्ते से अपने आप को दूर करने वाला बन जाएगा और फिर सही रास्ता और सही अकीदा जो है वो उससे अपने आप को दूर कर लेगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा अकीदा गलत हो क्योंकि अकीदा बुनियाद है हमारे ईमान की। अगर हमारा अकीदा सही होगा तो हमारे अमाल काबिले कबूल होंगे। ये हमने गुज़िश्ता नशस्तों में बड़ी वजाहत से देखा है कि अकीदा पढ़ने और अकीदे के जो ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक, ये क्यों हमारी जिंदगियों में अहम है जानना और इस पर हमारा दिल से यकीन होना। ये एक बहुत अहम बयान है। अगर अकल अल्लाह की भेजी हुई चीज को कबूल करने के लिए
मताना हो तो ये शख्स अल्लाह की तौहीद, इल्म और ईमान को समझने से महरूम और पर्दा हो गया। यानी कि हमारी जो अक्ल है, जो अल्लाह ने जो हमें अक्ल देकर इस दुनिया में भेजा है, वो हमारी ये जो अक्ल है ये इन सब चीजों को कबूल ही नहीं कर सकती, और ना हम इन सब चीजों को इमेजिन कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे करेंगे। तो ये हमें चाहिए कि हम अपने आप से ये अहद कर लें कि हम कोई ऐसी चीज में ना पड़ेंगे जिससे कोई ऐसा अमल हम कर बैठे जो जिसे अल्लाह ने मना किया है ना, ऐसी चीजों में गौर और फिक्र ना करें। आपको करने के लिए अल्लाह ने बहुत सी आसान आसान चीजें बताई हैं जिससे आप जन्नत को हासिल कर सकते हैं, तो फिर हम इन सब चीजों में क्यों पढ़ना जिससे अल्लाह ने मना किया है और इससे हमारे अकायद में जो है वो उसकी बुनियाद हिल जाती है। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए और अपने आप को ऐसी चीजों से बचाना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 41 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो पॉइंट नंबर 41 है, ही स्वेज बिटवीन फेथ एंड डिसबिलीफ, कंफर्मेशन एंड डिनायल एंड एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। ही विल बी सब्जेक्टेड टू वेन सजेशंस, परप्लेक्स्ड एंड लॉस्ट, नाइदर अ सिंसियर बिलीवर नॉर अ ओपन डिनायर। यानी कि वो ईमान और कुफ्र, तस्दीक व तकजीब और कबूलियत और रद्द के दरमियान घूमता है। जो शख्स ऐसी चीजें करते हैं ना जो अल्लाह ने मना की और वो जानने के लिए उसमें पड़ जाता है, तो फिर होता क्या है कि वो ईमान और कुफ्र और तस्दीक और तकजीब और कबूलियत और रद्द जो है, यानी कि फेथ और डिसबिलीफ और कंफर्मेशन और डिनायल और एक्सेप्टेंस एंड रिडक्शन के दरमियान जो है वो घूमता रहता है, वो फजूल मशवरे के ताबे हो गया, उलझन में पड़ गया और गुमराह हो गया। ना मुखलिस मोमिन और ना ही खुला मुनकर। तो होता यह है कि ऐसी चीजों में पढ़ने से बंदे को क्या होता है कि वो ना तो मुखलिस मोमिन होता है और ना वो खुला मुनकर होता है। वो उसको पता है सारी चीजें, तो वो मुनकर तो नहीं है लेकिन वो मुखलिस मोमिन भी नहीं बन सकता जब वो इन सब चीजों में पड़ जाए। ये शख्स ईमान और कुफ्र के दरमियान ढोल रहा होता है, उसका ईमान जो है वो बिल्कुल डगमगाता होता है, वो गुम हो जाएगा और इसके पास वसाविस होंगे जो शैतान इसके जहन में डालेगा कि ये ऐसा है तो फिर ये ऐसा कैसा होगा। जैसे हमने गुज़िश्ता नशस्त में पढ़ा कि कुरान मजीद की एक आयत में है कि अल्लाह सुबहाना व तआला अपने अर्श पर कुर्सी पर है, तो अगर वो कोई बंदा इस चीज पर गौर फिक्र करने लगे कि वो कुर्सी कैसी दिखती होगी, अल्लाह उस पर कैसे बैठता होगा, तो फिर गोया वो क्या कर रहा है, ऐसे शख्स के ये जो गुमान है गोया वो शैतान की तरफ से वसावस है जिनको अल्लाह ने जानने से मना किया है। सो होगा ये कि वो ईमान वाला होते हुए भी ये शख्स जो है मुनाफिक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर दीन की तरफ वो रुखबत ना होगी जैसी एक मुखलिस मोमिन में होती है कि वो कोई भी अमल करता है तो वो गैब का इल्म अल्लाह ही जानता है, इस बात पर अपने दिल को ईमान दिल से इत्मीनान रखता है, और वो जो अमल करता है वो इस बुनियाद पे करता है कि मैं बिना देखे इस चीज पर ईमान लाया हूँ। अब वो जब बंदा ऐसे वसाविस का शिकार हो जाता है तो फिर उसका ईमान बाकी नहीं रहता और वैसे शख्स जो है वो मुनाफिक हो जाते हैं। शैतान हर वक्त इस ऐसे शख्स के साथ खेलता रहता है, उसके जहन से खेलता रहता है। ये कैफियत इसे इसलिए आई क्योंकि वो हमेशा मुंतकी जवाब की तलाश में रहता था। ऐसे सवालों के जवाब जिनको अल्लाह ने जानने से मना किया है, ऐसे सवालों के पीछे वो अपने आप को लगा लेता है और उनमें पड़ जाता है। आज भी हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जो कई फिरके हैं जो इख्तलाफ, हर छोटी बात आप कोई भी अमल करने की बात करें वो अलग अलग तरीके से उसमें इख्तलाफ ला देते हैं, अलग अलग ऐसे ऐसे सवाल ला देते हैं जो शायद हमने हमारे गुमान में भी नहीं आते, ऐसे सवाल जिसके बारे में शायद हमने कभी सुना भी ना होगा। ऐसे ऐसे सवाल लोग आजकल कर रहे हैं, तो
ऐसे सवालों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस बात को हमें समझना है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ये जो कैफियत जिसमें वो जी रहा होता है ना, फिर वो शैतान की वसाविस का ताबे हो जाता है और वो शैतान जो है उसके जहन के साथ खेलने लगता है। और ये कैफियत इसलिए आई क्योंकि वो शख्स जो है ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना चाह रहा था जो जिसको अल्लाह ने मना किया और जिसकी तलाश जो है वो लाहासिल है। एक बार जब हम इस्लाम को कबूल कर लेते हैं तो हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस्लाम कबूल करने की जरूरत है, यानी कि हम पूरे पूरे दीन में उतर जाएं, यानी कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। इस बात को अपने जहनों में बिठा लें और इस बात को भी अपने जहन में बिठा लें कि हम सिर्फ उतना ही इल्म जानते हैं जितना अल्लाह ने हमारे लिए जानना हमारे लिए जरूरी समझा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें कोई इल्म नहीं है और अल्लाह ने हमें इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि उसका हमारे लिए इस दुनिया में जानना जरूरी नहीं है। तो फिर हम ऐसी चीजों में क्यों पढ़े जिससे अल्लाह ने मना किया है, जिनके बारे में सोचने और गौर फिक्र करने से अल्लाह ने मना किया है। बस लोग ऐसे भी होते हैं जैसे जो ये निजाम है, कायनात का निजाम है, उसमें गौर फिक्र करने से, आप अगर इस जाविये से गौर फिक्र करें कि अल्लाह की कितनी बड़ाई है, अल्लाह की कितनी मतलब अल्लाह ताला ने किस तरीके से इस निजाम को बनाया है, तो फिर आप शायद आप किसी दर्जे में सही भी हो। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से कायनात का मुताला करते हैं कि ये कैसा मुमकिन है, क्यों मुमकिन है, किस तरीके से मुमकिन है, तो फिर ऐसे सवालात का कोई जवाब लाहसिल है। अल्लाह ने अगर कोई चीज को करना चाहा वो अल्लाह के कुछ से हो जाती है, बस अल्लाह कहता है और वो हो जाती है। फिर वो क्यों हुई, किस तरीके से हुई, कब तक होगी, किस लिए होगी, इन सब सवालात का हमें कोई इल्म नहीं है और हमें जानना भी नहीं चाहिए। तो ईमान दर हकीकत बगैर देखे और मंतक और सबूत की तलाश के बगैर ईमान लाना है। तो हमारा जो ईमान है वो दलाइल नहीं मांगना चाहिए। अगर आपसे कुछ कहा जाए कि आप कोई नए काम अमल करें, फिर आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ है, क्यों करना चाहिए, मतलब तो दलाइल जो तलाश करते हैं ना वो नहीं करना चाहिए। तो दर हकीकत हमारा ईमान क्या है, वो बगैर देखे है और मुंतकिल और सबूत की तलाश के बगैर है, यानी कि हम ईमान इस बुनियाद पे लाए हैं कि अल्लाह ने जो हमारे लिए मुकद्दर किया है वो सच है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजे हुए नबी हैं वो सच्चे हैं और उन्होंने जो बताया है वो हर बात हमारे लिए काबिल कबूल है और हर बात हमारे लिए मुफीद है। इस चीज का हमारे जहनों में और दिल में हमेशा हमेशा यकीन होना चाहिए कि हमारा ईमान गैब पे है। हम बगैर देखे बगैर हम अगर किसी चीज पे तलाश करते हुए अपने जहन को ये दिल को ये इत्मीनान दिलाते हैं कि ये अल्लाह ही की तरफ से है, तो फिर हम ईमान वाले कहला सकते हैं। इस्लाम के लफ्ज का मतलब है तस्लीम करना। तो इस्लाम जो है हम तस्लीम कर रहे हैं, हम दिल से उसको टेस्टिफाई कर रहे हैं ना, जैसे हम कलमे शहादत पढ़ते हैं, हम दिल से गवाही देते हैं ना कि मैं अल्लाह सुबहान तआला की जात को मानता हूँ कि वही वाहदहु ला शरीक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल, क्या हमने देखा? नहीं। तो हम बिना देखे इस बात की गवाही और वहदानियत पर यकीन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तभी अर्ज करेंगे जब हमारी अकल इसे समझ लेगी। तो ये जो हम तस्लीम करते हैं ये हमारी समझ से बाहर है ना। हम जब अल्लाह की जात के बारे में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक वजूद के बारे में हमारे जहन में ख्याल आता है तो हम गुमान ही नहीं कर सकते, हमें समझ में नहीं आती ना ये सब चीजें। लेकिन समझ में नहीं आने के बावजूद हम दिल से इकरार करते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के कलाम को हक मानते हैं, तब हम ईमान वाले होंगे क्योंकि हम दिल से तस्लीम कर रहे होंगे क्योंकि हमने वो अपनी आंखों से देखे बिना उस पर ईमान लाए। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 41 जो हमने डिस्कस किया है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट काफी लंबा है, चलिए देखते हैं।
The belief of a person in seeing of Allah by the people of paradise is not correct if that person tries to imagine what it is like, or if he tries to interpret it according to his own understanding. Since the interpretation of the seeing or meaning of any of the subtle phenomena which are in the realm of lordship is by avoiding its interpretation and strictly adhering to submission. This is the faith of Islam. Those who do not refrain from negating Allah's attributes or receiving them on human patterns are surely mistaken. They are unable to glorify Allah Ta'ala properly. यानी कि किसी शख्स का अहले जन्नत की तरफ से अल्लाह के दीदार का अकीदा दुरुस्त नहीं है अगर वो शख्स ये तसव्वुर करे कि करने की कोशिश करे कि ये कैसा है या अपनी समझ के मुताबिक इसकी तशरीह करने की कोशिश करे, क्योंकि इस दीदार की तफसीर या बारीक मंजर में में से किसी का मफहूम जो रबूबियत के दायरे में है, यानी कि अल्लाह सुबहान व तआला की हुक्म से जो बंदे अल्लाह सुबहान व तआला का दीदार करेंगे, जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया था, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इस चीज को अपने जहन में तसव्वुर करने लगे कि वो जो अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया है कि बंदे मेरा दीदार करेंगे, तो फिर वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो शख्स अगर ये तसव्वुर करने की कोशिश करे तो उसकी समझ वो इतना ही गुमान कर सकता है, इतना ही इमेजिन कर सकता है जिसका उसकी महदूद सोच है, तो वो चीजें हमारी महदूद सोच में आ ही नहीं सकती। और ये सब जो चीजें हैं ये अल्लाह की रबूबियत में से है ना कि वो किस तरीके से होगा, तो फिर हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी ताबीर से गरेज और अताद से पर सख्ती से अमल करना है, ये इस्लाम का ईमान है। यानी कि बिना देखे अल्लाह ने बता दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तो बस हमें दिल से इस चीज को मान लेना है। फिर वो कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह होगा, ऐसे सवालात हमें किसी भी सूरत में अपने जहनों में आने नहीं देना है। जो लोग अल्लाह ताला की सिफात की नफी करने या इन्हें इंसानी नमूनों पर तस्वुर करने से गरेज नहीं करते, वो यकीनन तौर पर गलती पर हैं। वो अल्लाह ताला की तस्बीह सही तरीके से करने से फासिर है। यानी कि अगर कोई बंदा इस तरीके से अल्लाह के एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के मुतशाबिहात होता है, अगर कोई बंदा ये सोचता है कि हम ना माज़ल्ला माफ़ करना, मैं तो समझाने के अतबार से आपको बता रही हूँ कि अगर कोई बंदा ये सोचने लगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला को देखने के लिए आंखों की जरूरत है, तो गोया उसने उसका ईमान सही नहीं है। तो हमें ये बताया जाता है ना कि अल्लाह सुब्हान व तआला की जात सुबहान है, अल्लाह सुब्हान व तआला को हम इंसानों की तरह देखने के लिए आंखों की, चलने के लिए पैरों की, काम करने के लिए हाथों की, सुनने के लिए कानों की, बोलने के लिए जुबान की, इन सब चीजों की अल्लाह सुब्हान व तआला की पाक जात को जरूरत नहीं है। ये सब चीजों का तसव्वुर हमारे जहन में भी आता है क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने इस तरीके से हमें बना कर भेजा ना, और इन सब चीजों की हमें दुनिया में जीने के लिए और दुनिया में बसर होने के लिए जरूरत है। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला की जात को आप इंसानी चीजों से अगर मिला रहे हैं, तो गोया आप गलत रास्ते पर है। आपने अल्लाह सुबहान व तआला की जात को सही तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह सुबहान व तआला की जात इन सब चीजों से सुबहान है। अल्लाह सुबहान व तआला को कभी भी हम इंसानी शक्ल से या इंसानी चीजों से, जैसे कि आंख नाक कान हाथ पैर, ये सब चीजों से अगर हम अल्लाह की जात का गुमान कर रहे हैं, तो गोया हमने अल्लाह की जात को सही से समझा ही नहीं। तो ऐसी चीजों को सोचने से मना किया गया है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर था, पॉइंट नंबर 42। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पॉइंट नंबर 42 जी। तो ये इसका तसलसल है जो हम कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये कैसा होगा,
अल्लाह के हुक्म से होगा ना, कि अल्लाह का दीदार किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा जन्नत में, और कितनी देर के लिए होगा। तो ऐसे चीजें हमें तस्वुर में लाने की जरूरत नहीं है, हमें ये तस्वुर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये कैसा होगा, या हमें अपनी अकल के बुनियाद पर तशरीह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अकल सिर्फ वही इस्तेमाल की जाए जहाँ इसकी जरूरत है। अगर आप हर चीज में अपनी अकल को समझ को, यानी कि मेरे को समझ में आया तो ही मैं करती हूँ। आजकल के लोग बहुत ऐसे सवाल करते हैं कि मुझे अगर समझ में आया तो ही मैं अमल करूंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आप जब अपने आप को ईमान वाला कहते हैं तो फिर आप अल्लाह ही की बात को सच्चा मानकर उस पर अमल करें। अल्लाह की बात को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को सच्चा मान उस पर अमल करें ना। आपको चाहिए कि आप फिर उसमें सवालात न पैदा करें। तो हमारी अकल बहुत सी चीजों को समझने के लिए तैयार नहीं है। गैब का इल्म जो है सिर्फ अल्लाह ही के साथ है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ वही जानते हैं जिसको हमने आप पर आया किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं, अल्लाह ही की वाहिद जात जानते हैं, हत्ता के नबी भी नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अम्बिया भी सिर्फ वही इल्म जानते हैं जो अल्लाह ने उनको अता किया है। आखिरत में हम जब अल्लाह ताला को देखते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि हम किस तरीके से उनको देखेंगे, कोई कैफियत नहीं होगी। हमें ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि ये कैसे होगा। अपने आप को तरक्की देने की कलीद जमा करना है, हमें सिर्फ जमा करना चाहिए, यानी कि अपने आपके जहन को इस तरीके से आप ना बनाएं कि आप अल्लाह के मुतशाबिहात पे गौर फिक्र करने वाले बने, बल्कि आप उन चीजों को सीखें जिनसे अल्लाह राजी होते हैं, और उन चीजों से बचने की कोशिश करें जिनसे अल्लाह सुबहान तआला ने हमें मना फरमाया है। तो तब हम जाके अपने कल्ब को, अपने दिल को ईमान पर या सही रास्ते पर चलाने वाले बन सकते हैं। हम अल्लाह ताला की तरफ कोई इंसानी सिफत मंसूब नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी देकर बताया ना कि हम अल्लाह सुबहान ताला की जात की तरफ कोई इंसानी सिफत जैसे चलना, उठना, फिरना, खाना पीना, ये सब हमारी जरूरियात है, इंसानी सिफात है। इन सब चीजों को आप अल्लाह से मंसूब ना करें, ना अल्लाह की जात से किसी को मंसूब करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है कि अल्लाह की जात से इन सब चीजों को मंसूब कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि नाउज बिल्ला माज अल्लाह, कि अल्लाह को भी देखने के लिए आंखों की जरूरत है, चलने फिरने के लिए हम जैसे इंसानों की जरूरियात है ऐसी जरूरियात है, तो वो या फिर उसका अकीदा सही नहीं है, उसका ईमान सही नहीं है, अल्लाह के बारे में उसका तसव्वुर सही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को दुरुस्त करें, हमारे अकायद को बुलंद दुरुस्त करें कि अल्लाह सुबहानवी ताला की जात इन सब चीजों से पाक है, वो बुलंद बाला है, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज का इल्म रखता है, अल्लामुल गयूब है, और अल्लाह सुबहान ताला हर चीज को जानने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 43, Those who do not refrain from negating the attributes of Allah and thus be imagining Allah's attribute to be like human attributes go astray and fail to glorify Allah subhanahu wa ta'ala properly. यानी कि जो लोग नफी अल्लाह की सिफात की नफी करते हैं, यानी कि अल्लाह की सिफात जो है उनको उनमें सवाल करते हैं और तशबीह अल्लाह की सिफात को इंसानी सिफात की तरह तसव्वुर करते हैं, तो गोया इंसान से बाज नहीं आते, तो वो गुमराह हो जाते हैं और अल्लाह ताला की तस्बीह करने में नाकाम होते हैं। तो ऐसे लोग जो अल्लाह की सिफात को जानते हुए, यानी कि अल्लाह ने जिस तरीके से हमें बयान फरमाया है उन सिफात को जानते हुए भी उसका तसव्वुर इंसानी चीजों से मंसूब करते हैं, तो
फिर इंसानी सिफात की तरह अल्लाह की चीजों को तस्वुर करेंगे तो फिर हम गोया गुमराह हो जाएंगे, और अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया है उन चीजों में पड़ जाएंगे तो गोया क्या होगा, होगा ये कि हम अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे, हम गुमराही में चले जाएंगे। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। ये नकात इसलिए बयान, ये नुक्ता, सॉरी नुक्ता, ये इसीलिए बयान किया गया है कि ये मौजूदा जमाने में फितने हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल लोग ऐसे ऐसे चीजों को बुनियाद बनाकर सवाल करते हैं दीन इस्लाम पर, जिनका कोई मायना और मतलब ही नहीं होता। जैसे कि कल ही मैंने एक बयान सुना और मैं देख रही थी कि उसमें किसी ने सवाल किया कि अल्लाह सुबहाना तआला कायनात बनाने से पहले, यानी कि कायनात जो हमारी वजूद में आई है इसको बनाने से पहले अल्लाह सुबहाना तआला क्या कर रहा था। आप बोले अगर एक ईमान वाला इस तरीके से सवाल करने लगे तो फिर गोया क्या, हमें हमें जानने ही की क्यों जरूरत है कि अल्लाह सुबहाना तआला क्या कर रहा होगा। ये जो वक्त है कि दुनिया बनाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था होगा, इसका जवाब ही ये है कि जब वक्त को अल्लाह ने, ये जब दुनिया बनाई तभी तो वक्त वजूद में आया ना। इससे पहले वक्त का कोई तसव्वुर था? चांद, सितारे, ये सूरज जब अल्लाह ने बनाया तभी तो वक्त का तसव्वुर आया, लेकिन अल्लाह के साथ तो उससे पहले से है, हमेशा हमेशा से है। तो जब वक्त ही का तसव्वुर तब आता है जब अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, तो फिर उससे पहले अल्लाह क्या कर रहा था? इस चीज का सवाल कोई अगर ईमान वाला करे तो फिर वो या वो गुमराही में जा रहा है, क्योंकि ऐसे सवालों के जवाब हमें तलाश करने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस इस चीज पर ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह के साथ है और अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ हर चीज से बेनियाज है। तो ये इस दौर का फितना है कि लोग ऐसे चीजों में पड़ रहे हैं, इसीलिए इसको हम वजाहत के साथ डिस्कस कर रहे हैं। लोग इंसानी सिफात को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं, वो आयात और अहादीस को लफवी माने में लेते हैं, वो कहते हैं कि कुरान में यद की मनी हमारे जैसे यद है, यानी कि हम इंसानों से अल्लाह सुब्हान तआला की जात को वो कंपेयर करने लगते हैं, और अहादीस में जो बयान किया गया है, जो समझाया जा रहा है, उसको वो रेफरेंस लेके ऐसे ही बातें करने लगते हैं कि वो गोया अल्लाह सुब्हान तआला की जात को इंसानी चीजों से, मतलब इंसानी सिफात से मिला रहे हैं। तो ये गुमराही है सरासर। तो ये इंसान को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अल्लाह ताला का कोई जिस्म वगैरह है। तो अगर इंसानी मुतशाब इंसान के जो सिफात है अगर उसको अल्लाह सुब्हान तआला के साथ माजल्ला वो अगर मंसूब करने लगे तो फिर गोया होगा क्या? होगा ये कि वो इंसान, ये इंसान जो सोच रहा है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये अल्लाह ताला का कोई जिस्म है, क्योंकि हम कह चुके हैं, बता चुके हैं अल्लाह सुब्हान तआला कुरान मजीद में कि अल्लाह सुब्हान तआला सुबहान है, सुबहान यानी कि हर चीज से पाक, हर ऐब से पाक। तो फिर गोया हमें ये चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, ये गोया गुमराही है। एक चीज दूसरी तरफ ले जाती है ना, जैसे कि अगर आप इन तसव्वुरात में चले गए, आप इन सब चीजों को तलाश करने लगे तो एक छोटी चीज आपको दूसरी चीज में ले जाएगी। जैसे कि अगर आप सोचने लगे माँ सल्लल्लाह माफ फरमाए ना उस बिल्लाह कि अल्लाह देखने के लिए आंखों की जरूरत है, तो फिर गोया आपने ये जैसे जिस्म का तसव्वुर भी आ गया ना, जिस्म का तसव्वुर आ गया, जैसे इंसानी सिफात है उनका तसव्वुर आ गया। तो ये इंसानी सिफात और ये देखने के लिए आंखों की जरूरत, हाथों की जरूरत, ये सब अल्लाह सुब्हान तआला की जात के लिए नहीं है। इसका जिक्र करने की वजह ये है कि मौजूदा जमाने में ऐसे ग्रोह हैं जो इसे लफ्जी तौर पर लेते हैं। दलील ये है कि मजीद सवालात के बगैर जमा करवाएं, यानी कि आपको चाहिए कि कोई सवाल आप ना करें अल्लाह के मुतशाबिहात में, और आप बस ऐप पर अपना ईमान रखें कि अल्लाह ही की जात है और मुझे ये चीज जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कैसे है। बस मुझे इस चीज पर अल्लाह ने ईमान रखने के लिए कहा है कि अल्लाह की जात है और अल्लाह के भेजे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहनुमा बनाकर भेजे गए, उनकी बताई हुई चीजों को अगर हम करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं।
जो हमारी महदूद सोच समझ सकती ही नहीं है, उन चीजों में हमें बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। आप देखें, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बिल्कुल कनेक्टेड है, और आज हमने जो स्टार्टिंग से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट्स इसी चीज पर वजाहत करते हैं किसी ना किसी तरीके से, कि अल्लाह ही सुभान व तआला की जात जो है उस पर हमें एतमाद करना है, गैब पर। गैब पर बिना देखे, बिना सवालात करे, बिना ऐसी चीजों की तलाश किए जिनसे ऐसे शैतानी वसाविस पैदा हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का मतलब ही ये है कि हम अपने आप को इतना इन सब चीजों में ना ले जाएं ताकि हम गुमराह ना हों। क्योंकि आज के फितनों के दौर में लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि अगर आपको अपना आपका अकीदा सही नहीं होगा तो आप गोया गुमराही में पड़ सकते हैं। वो ऐसे सवाल करके आपको आपके दीन से मुतकर कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने दीन से मुतकर ना हो, आप अपने दीन पर साबित कदम रहें। आप अपने दीन पर और अकायद पर साबित कदम कब रह सकते हैं? जब आपको उसका इल्म हो ना। तो इसी वजह से हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम अहले सुन्नत वल जमात, जो अल्लाह ने हमें अल्लाह के फजल करम से हमारे वालिदैन अहले सुन्नत वल जमात में पैदा हुए, और फिर उनके बनिस्बत उनके नस्बत से हम भी दीन इस्लाम में पैदा हुए हैं। लेकिन आज अफसोस ये है कि हम दीन इस्लाम में पैदा होने के बावजूद हम ऐसी चीजों के बारे में ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना जानते हैं जो एक मुसलमान होने के हैसियत से हमें मालूम होनी चाहिए। हम बस अपनी आपको मुसलमान होने के लिए अगर मैं कहूँ तो वी जस्ट टेक फॉर ग्रांटेड, हम मुसलमान हैं बाय चांस, वी आर नॉट मुस्लिम्स बाय चॉइस। तो हमें अपने आप को, अपनी जिंदगी को, वी हैव टू बिकम मुस्लिम्स बाय चॉइस, तभी हम अल्लाह के पास कामयाब होने वाले बन सकते हैं ना। अगर हम मुस्लिम्स बाय चांस है, क्योंकि हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, मुस्लिम बाय चांस है, तो इसका कोई यकीन नहीं कर सकते हम कि हम विल डाई बाय एज अ मुस्लिम। आप मुस्लिम ही दुनिया से रुखसत होंगे इसका कोई यकीन नहीं दिला सकता। जब तक आप अपनी जिंदगियों को तब्दील करने की ना कोशिश करें, जब तक आप अपने आप को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलाने की कोशिश ना करें। आज तो हालत ये है कि हम मुसलमानों को, हम अपने बच्चों को दीन इस्लाम पर चलने से खुद ही रोकते हैं। हम उनको मॉडर्न कल्चर में मॉडर्नाइज इतना बनाते हैं कि अगर कोई बेटी बुरखा पहनने लगे तो माँ कहने लगती है कि क्यों तुम दखियानूसी ख्यालात की हो रही हो। उनका ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ हुआ होता है कि वो ये पर्दा करने को सही नहीं समझते, और वो समझते हैं कि ये इंसान को दूसरों से पीछे कर देता है और एक औरत को जो है वो दखियानूसी बना देता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा है नहीं। लेकिन ये उनके जहनों की सोच और उनकी तरबियत की वजह से हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी रखने लगे तो फिर वालदैन उसको रोकने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम तराश दो या मनवा दो, क्योंकि तुम अपने अपने आप को दुनिया वालों की नजर में तुम उनसे बड़े लगोगे ना। तो फिर ये आप किसको अपने आप किसको दिखाकर, मैं सवाल आप सभी से और हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हम इस दुनिया में कोई भी अमल अगर कर रहे हैं तो हम किसकी कबूलियत चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम कोई भी अमल करें तो वो सिर्फ अल्लाह ही की रजा के लिए करें ना। हम अगर कोई अमल इस नीयत से कर रहे हैं कि अल्लाह के बजाय हम दूसरों को अच्छा दिखने के लिए करें, दुनिया में भी आप अगर अपने आप को इसलिए सवार रहे हैं कि आप दुनिया वालों को अच्छे दिखें, तो फिर इससे आपको आखिरत का तो कोई फायदा नहीं होगा ना। अगर आप कोई भी अमल भी करें, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी नमाज को अगर लंबा कर दें, कोई सामने है इस वजह से अगर आप अपनी नमाज को बेहतर कर दें, लंबा कर दें, तो ये कोई रियाकारी हुई। इसका आपको कोई अल्लाह की तरफ से अजर नहीं मिल सकता। ऐसे ही अगर आप कोई सदका दें, खैरात दें, तो किसी को दिखा दिखा कर दें, तो फिर गोया ये हो गया कि आपने अल्लाह की रजा के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के वास्ते ऐसा अमल किया, तो फिर ये अल्लाह की नजर में काबिल कबूल नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम मुसलमान बाय चांस जो है उसको बाय चॉइस बनाएं।
यानी कि हम जो अल्लाह की तरफ से मुसलमान बनकर पैदा हुए हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन सिर्फ उसको खुशकिस्मती समझकर हम अगर उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड करेंगे तो फिर इसका कोई गुमान नहीं है कि हम मरते वक्त भी अल्लाह के पास जो है ईमान की हालत में जाएंगे। हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी, अपनी जिंदगियों को तब्दील करना होगा, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करना होगा और इसके लिए कोशिश और मेहनत करनी होगी। आज आलम यह है कि दीन बेदारी का हमारे घरों में, हमारे जिंदगियों में, कि जितनी आसानी से हमें आज दीन की सहूलतें दस्तियाब है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरा ये सेशन ही हो जाए या कोई भी आप इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग या कोई इज्तिमा ही समझ लें, इतना आसान अल्लाह ने कर दिया कि हम इंटरनेट के जरिए आप सब कोई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप घर बैठे इन सब चीजों से अपने आप को मुस्तफीद कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सुनना भी नहीं चाहते, हम अगर किसी को बुलाते हैं तो वो जुड़ना भी नहीं चाहते। तो इससे पता क्या चलता है बता, बस यही चलता है कि हम खुद मुसलमानों में दीन बेजारी का इतना आलम है कि हम दीन की बात सुनना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को तब्दील करना ही नहीं चाहते, हम अच्छे मुसलमान बनना ही नहीं चाहते, हम उसी हाल में रहना चाहते हैं जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, और बस हम ये समझ बैठे हैं कि हम अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात गफूर और रहीम है, वो माफ़ कर देगी। बेशक वो अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात गफूर और रहीम है, वो माफ़ करने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह सुबहान तआला के बताए हुए रास्ते से हम हट जाएं और ये गुमान करें कि अल्लाह की सुबहान तआला की ज्यादा गफूर रहीम है। आज हमारी जिंदगियों में, आज हमारे जिस तरीके से हमारी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, अल्लाह ही अपनी तरफ से अगर हमें माफ फरमा दे तो अल्लाह का करम है, लेकिन हमारे कोई अमल आजकल ऐसे नहीं है जो अल्लाह की तरफ काबिल कबूल हो। तो हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों को बचाने की कोशिश करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें ताकि हम अल्लाह के नजदीक हो। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 43 था जो हमने अभी डिस्कस किया। चले पॉइंट नंबर 44 डिस्कस कर लेते हैं, ये काफी छोटा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 44 है, फॉर अवर लॉर्ड इज क्वालिफाइड विद द एट्रीब्यूट सिफात ऑफ यूनिकनेस वहदानियत एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मुनाउत ऑफ एब्सोल्यूट सिंगुलैरिटी और फर्दनिया। नो क्रिएटेड बींग शेयर्स विद हिम दीज एट्रीब्यूट, यानी कि क्योंकि हमारे रब सिफात यानी कि वहदानियत और मुतलक इनफरादात यानी कि अल्लाह सुबहान व तआला की जात जो है, अल्लाह की जो सिफात है वो एकदम यूनिक है। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि ये अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह की अपनी एक यूनिकनेस है, अल्लाह सुबहाना तआला की जात सबसे उसके जैसा कोई नहीं है। जैसे सूरह मुदस्सिर में अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं लैस कमिस्ली शय, यानी कि देयर इज नथिंग लाइक हिम, कोई चीज अल्लाह के कंपैरिजन में नहीं आ सकती, ना कोई चीज अल्लाह के बराबर हो सकती है। तो अल्लाह की सिफात जो है वो एकता है, यानी कि वाहिद है, वहदानियत अल्लाह ही की है, और कोई इंसान यानी कि कोई मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है वो कोई मखलूक इसके साथ इन सिफात में शरीक नहीं है। जो अल्लाह की सिफात है, जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स है, सिफात है, इनमें कोई शरीक नहीं है, कोई कोई शरीक नहीं है, कोई मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है ये अल्लाह सुबहान व तआला की सिफात में इंक्लूडेड नहीं है। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे पॉइंट्स एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड है और मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पॉइंट नंबर 45 थोड़ा बड़ा है तो गुफ्तगू काफी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं पॉइंट नंबर 45 से अगली नशस्त में कंटिन्यू करूंगी। उससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं जो अहम है हमारे लिए जानने की, कि अखीरे के एतबार से तो हमारी क्लास मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगी कि हमें अपने आप को, अपनी जिंदगियों को तब्दील करने की जरूरत है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और अब ये जो बातें मैं आपसे बताने लगी हूँ ये पूरा पूरा दीन तो नहीं है,
लेकिन अगर हम इन बातों पर अमल करने वाले बने, चलने वाले बने, तो अल्लाह सुबहाना तआला से उम्मीद है कि हम सारे दीन पर चलने वाले बन जाए। सबसे पहले तो हमें जो चीज अहम है जिसके ऊपर मेहनत करनी है वो है कलमे तैयबा, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कलमे वाला यकीन हमें पैदा करना है। क्यों पैदा करना है कलमे वाला यकीन? क्योंकि कलमा तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या उसका यकीन हमारे दिलों में है? अगर हम देखें, गौर फिक्र करें, तो हमारे दिलों में वो कलमे वाला यकीन नहीं है। इसी की वजह से आज हम गुमराही का शिकार हो रहे हैं। यानी कि आप असबाब को अपना असल मान रहे हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप कोई दवाई भी ले रहे हैं तो दवाई आपके ऊपर असर नहीं कर सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो आप कभी भी अगर दवाई लें तो ये ना समझें कि मेरी दवाई खाने की वजह से तबीयत अच्छी हुई, बल्कि तबीयत अच्छी हुई अल्लाह के हुक्म से। दवाई तो एक जरिया थी जो अल्लाह ने आपके लिए दी, तो दवाई में कोई ताकत नहीं है कि वो आपको शिफा दे। अल्लाह ही के हुक्म में वो ताकत है जो आपको शिफा दे सकती है। यानी कि इससे पता ये चला कि चाहे दुनिया में कोई भी काम आपका बने या ना बने, आप हमेशा ये सोचें कि वो अल्लाह ही की तरफ से है। अगर वो काम बन भी जा रहा है तो वो भी अल्लाह ही की तरफ से हो रहा है सिफात पर। यानी कि ये जो जैसे कि दवाई में दवा हो गई, तो दवा के ऊपर आपका यकीन ना हो कि दवा की वजह से मेरा काम बन गया, बल्कि दवा खाने के बावजूद अल्लाह के हुक्म से आपका काम बना, इस पर आपका एतमाद होना चाहिए। इसी तरीके से हर चीज में हम जो भी काम करें, हमारा ये एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह ही के हुक्म से हुआ, अल्लाह ही के चाहने की वजह से हुआ। यानी कि कलमे वाला हमारा यकीन बन जाए, यानी कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। जो कुछ होता है वो अल्लाह ही की मर्जी से होता है और अल्लाह ही के हुक्म से होता है। किसी और चीज में, किसी और इंसान में, या किसी और शय में ये कुदरत नहीं है कि वो किसी का कोई नफा या नुकसान पहुंचा सके। तो ये हमारा कलमे वाला यकीन हमें, हम सबको पैदा करना चाहिए। दूसरी अहम चीज जो हमें, जिस पर मेहनत करनी है और जो हमें करनी चाहिए, वो है हमारी नमाज। नमाज हमें अपने बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। अव्वल वक्त नमाज पढ़ने का एहतमाम करें, नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों को अच्छी तरीके से पढ़ें और उनकी तफसीर और कम से कम तर्जुमा आप जानें, ताकि आप अपनी नमाज को खुशू खुशू वाली नमाज बनाएं। ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ने वाली नमाज पढ़ें, ताकि अल्लाह के नज़दीक वो काबिले कबूल हो। बताया ये जाता है, बड़े ये कहते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें भी फरमाया है कि एहसान का जो दर्जा होता है ना, जहाँ पे बंदा ये अल्लाह की जात को देखता हुआ इमेजिन करता है और अल्लाह सुब्हान तआला उसे देख रहे हैं ये इमेजिन करता होता है। लेकिन अगर हम उस लेवल तक भी नहीं पहुंच सकते जहाँ हम ये तसव्वुर करें कि अल्लाह को हम देख रहे हैं, तो हमें कम अज कम ये गुमान रहना चाहिए और हमेशा हमेशा इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला की जात हमारी तरफ हमेशा मुतवज्जे है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमेशा हमें देख रहे हैं। तो अल्लाह जब हमें देख रहा है, जब आपको, आप देखें कि अगर कोई कमरे में मौजूद हो तो आपके जहन में ये बात आ जाती है कि मुझे देख रहा है, कि मुझे देख रहा है, मुझे सही करना है। कोई भी काम हो, नमाज ही नहीं बल्कि कोई भी काम हो, तो आपके जहन में कॉन्स्टेंटली ये रहता है कि मुझे कोई देख रहा है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम अपने आप का जो है, अपने आप के ऊपर मेहनत करें और अपने ईमान को मजबूत करें और ये यकीन पैदा करें कि अल्लाह की जात हमारी तरफ मुतवज्जे और अल्लाह की जात हमें देख रही है, तो फिर हम अपनी नमाज को बेहतर करने वाली बन सकते हैं। तीसरी अहम चीज जिस पे हमें मेहनत करनी है और हमें करनी चाहिए, वो है इल्म और जिक्र। इल्म हमें हासिल करना है। इल्म हम हासिल कर सकते हैं कुरान की तफसीर पढ़कर, तर्जुमा पढ़कर, हदीस की किताबों का मुताला करके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, ना इस पर हम अपनी तवज्जो रखते हैं कि हमें अपने घरों में ही करनी चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली आए, तो आप अपने घर में कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमा पढ़ने का एहतमाम करें और साथ ही साथ तालीम का एहतमाम करें। यानी कि हदीस की कोई भी किताब ले लें, चाहे वो मुंतखब हदीस, तो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, आप कोई भी हदीस की किताब ले लें, आप हदीस की तालीम करने वाले बने, ताकि आप दीन का इल्म सीखें ना। इसी तरीके से ये जो हम जुड़े हैं, ऐसी मजलिसों में जुड़ना जो अल्लाह के दीन के बारे में बताती हैं,
इनसे जुड़ेंगे तो फिर हमारे इल्म में इजाफा होगा और अमल करने में आसानी होगी। जिक्र, जिक्र क्या है? जिक्र है अल्लाह की याद में मशगूल रहना। अल्लाह की याद में मशगूल रहने से मुराद ये है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करें, सुभान अल्लाह रब्बी हमदी, सुभान अल्लाह अजीम कहा करें, क्योंकि ये कलमा जुबान पर हल्के लेकिन तराजू पर बहुत वजन है। इसी तरीके से हम अपने आप को मुसलमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मानते हैं और मोहब्बत के दावे करते हैं, तो हमेशा ये कि हम दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें ना, सुबह शाम कम से कम 100 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करें। इसी तरीके से अस्तगफार पढ़ने का एहतमाम करें, क्योंकि वजाहत के साथ हमें मिलता है कि अल्लाह सुबहान तआला उन लोगों को महबूब रखते हैं जो अल्लाह से माफी मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं। तो हमारे दीन में इस्तगफार की एक बहुत अहमियत बताई गई है, तो हमें चाहिए कि कम से कम सुबह शाम 100 100 मरतबा इस्तगफार करने वाले बने। और इसके साथ ही साथ तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर यहाँ तक भी पढ़ सकते हैं, या फिर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने का एहतमाम करें सुबह शाम 100 100 मरतबा। आप देखेंगे कि आप इन आमाल के करने से कम अज़ कम अल्लाह के जिक्र करने वालों में शुमार हो जाएंगे, क्योंकि हदीस के मुताले से और कुरान मजीद के मफहूम से मैं पता चलता है कि अल्लाह का जिक्र करने वाले को या जिंदा इंसान की तरह हैं, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो कोई या मुर्दे के बराबर है। तो हम अगर अपने आप को एक जिंदा इंसान समझते हैं और अल्लाह की नजर में भी जिंदा होना चाहते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम जिक्र को अपने जिंदगी का मामूल बना लें। इंशाल्लाह हम सबको कोशिश करनी चाहिए इस पर अमल करने की। आप दिल से सुने, आप इस चीज को अपने दिल में यकीन पैदा करते हुए सुने कि इंशाल्लाह मैं आज से अमल करने वाली बनूंगी, इंशाल्लाह कहीं और इंशाल्लाह इस पर अमल करने वाले बने। तीसरी चीज हो गई इल्म जिक्र। फिर अगले चीज है इखलास नीयत, इकराम-ए-मुस्लिम है। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा दूसरों का वैसे ही ख्याल करें जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ख्याल किया जाए। हमें पहले अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इस तरीके से सोचने वाले बन जाएंगे ना, तो वाकई में इस दुनिया में हमारी जिंदगियों में बहुत सुधार आएगा और हम सबके लिए बायस रहमत बनेंगे। हमेशा हमेशा हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए सहूलत करने वाले बने, हम उनके लिए मदद करने वाले बने, और हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए हमेशा जिस भी तरीके से आप हो सके उनके काम आ जाएं। तो ये हो गया आपका इकराम मुस्लिम। आपको चाहिए कि हर मुसलमान के लिए आप मदद करने और उनके लिए हमेशा कोशिश करें कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करें। ये इसमें एक और अहम बात ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी जुबान से कोई ऐसा बात ना करें जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। अक्सर दफा होता ये है कि हम बोल देते हैं लेकिन सोचते नहीं है कि सामने वाले के दिलो दिमाग पर उसका क्या असर हो रहा है, तो इससे बहुत एहतियात करना चाहिए। जो इंसान खामोश रहा वो निजात पा गया, और जो इंसान अपनी जुबान की और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कयामत के दिन उनकी शिफात करूंगा, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने जुबान की बहुत एहतियात करें ताकि किसी का दिल हम ना दुखाएं। इंशाल्लाह कोशिश करें। ये कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुबहान तआला हम सबको इन सब चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली अहम चीज़ जो है वो है इखलास से नीयत, यानी कि आप अगर कोई भी अमल करें तो फिर आप उसको अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी और को दिखाने के लिए ना करें। इसीलिए बड़े बताते हैं कि अगर हम कोई भी अमल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि अपनी नीयत को 3 दफा टटोलें। सबसे पहले कोई काम करने से पहले टटोलें, नीयत को दरमियान में टटोलें और आखिर में टटोलें कि मैंने ये काम किसके लिए किया, क्यों किया और मैं क्यों कर रही हूँ। तो अगर आप इसलिए कर रही हैं कि ये अल्लाह की रजा के लिए है और अल्लाह आपसे राजी हो जाए, तो फिर ये अमल आपका काबिले कबूल है। लेकिन अगर आप इस नियत से कर रही हैं कि मुझे वाहवाही मिले, मुझे लोग प्रेज करें, तो फिर गोया ये आपकी नियत में खोट है और अल्लाह के नजदीक ऐसे अमल काबिले कबूल नहीं होते। तो कोई भी अमल करें, अपनी नियत को दुरुस्त करें कि अल्लाह ही के लिए मैं ये कर रही हूँ, और कोई भी आप काम करें तो अपनी नियत को दुरुस्त करें कि अल्लाह ही के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो अपनी इखलास वाली जो नीयत है उसको पैदा करने की हम सबको जरूरत है।
अच्छा, अहम चीज जो हमें जिस पर तवज्जो देनी है वो है दावत तबलीग, यानी कि हम सबको चाहिए कि हम जो अच्छी बातें सीखते हैं दूसरों को अच्छी बातें सुनाएं, बुरे काम करने से रोकें, खुद भी बचें, खुद भी जन्नत में जाने वाले बने और दूसरों को भी जन्नत में ले जाने वाले बने। और ये तभी मुमकिन है जब हम एक दूसरे की इसलाह की फिक्र करें। और जैसे कि बताया जाता है कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाली नहीं है, तो हम सब पे ये जिम्मेदारी है कि हम अपने घर वालों की, अपने दोस्त अहबाब की, जिनके लिए भी आप कर सकते हैं, उन सबसे अच्छी बातें करें, दीन का इल्म आप जो जानते हैं दूसरों तक तो पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आप दावत दीन और दावत और तबलीग के काम में आप भी जुड़े और आपके जरिए से दूसरों तक इल्म पहुंचे और आप भी इसमें शरीक हों, ताकि आप भी खुद जन्नत में जाए और दूसरों को भी साथ में जन्नत में ले जाने वाले बने। अल्लाह सुबहाना तआला से ये दुआ है कि अल्लाह सुबहाना तआला जो कहा गया है, जो सुना गया, जो पढ़ा गया, उन सबको कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए मगफिरत का सबब बनाए और हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ फरमाए और हम सबको जन्नत अलफरदौस में जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله معي أقل نشر سيرت كي عنوان سے ہوگی اگلے سیٹرڈے سیم ٹائم 9:30 سیم لنک ہوگا، اور سنڈے عقیدے کی کلاس ہوگی سیم ٹائم 9:30، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. سیٹرڈے از سیرت کلاس اینڈ سنڈے از عقیدہ کلاس. There's no change in the timing. Link भी हमेशा सेम रहेगा और टाइमिंग भी हमेशा सेम रहेगी इंशाल्लाह. आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.